हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज फिर से आपकी इंग्लिश की क्लास है. ओके, हमारा हम लोग लेसन 3 से स्टार्ट करेंगे, जिसका है ऑफ द अर्थ. ऑफ द अर्थ, इस लेसन में हम एक लड़की है उसके नाम के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसका नाम किस तरीके से उसके फादर ने रखा था, और उसका नाम क्या था, और उसका मीनिंग क्या था, ये हम लोग आपको आज बताएंगे लेसन में. ओके, लेसन 3 ऑफ द अर्थ स्टार्टर किट. ऑल थिंग्स ऑफ नेचर दैट वी कैन सी ऑन द अर्थ एंड फ्रॉम द अर्थ आर ऑफ द अर्थ. वर्क विथ अ पार्टनर एंड मेक एज मेनी थिंग्स एज यू कैन दैट यू थिंक आर ऑफ द अर्थ. मतलब जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसमें हम लोग जो भी नेचर देख रहे हैं या जो भी चीज देख रहे हैं, वो सारी दुनिया की और दुनिया में से ही है. तो कुछ चीजें यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताई हुई है कि ये अर्थ की चीजें हैं, और आप लोग आपके फ्रेंड के साथ में मिलके कुछ और ऐसी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है कि दुनिया की है, नेचर है और नेचुरल है. अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे. मेघा जंप्ड ऑन टू हर मॉम्स लैप. She loved the stories mom told her, but that day mom said, Megha, today you tell me a story, you tell me about your day at school. मेघा अपने मम्मी की गोदी में बैठी थी और उसको उसकी मम्मी जो स्टोरीज बताते थे वो उसको सुनना बहुत पसंद था. तो उसकी मम्मा उसको अब बोलते हैं कि आज ऐसा करते हैं कि मैं आपको स्टोरी नहीं सुना रही, लेकिन आप मुझे एक स्टोरी ऐसी सुनाओ कि आप स्कूल गए थे तो आपका स्कूल में दिन कैसा था. मेघा थॉट फॉर ए वाइल, देन शी सेड, ओके आई विल टेल यू अबाउट माई डे एट स्कूल. मेघा कुछ देर सोचती है, फिर उसके बाद में वो बोलती है कि अच्छा चलो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे स्कूल में आज का दिन कैसा रहा. टुडे आवर टीचर टॉक्ड अबाउट नेम्स. उसने बोला कि आज हमारी टीचर ने हमारे नाम के बारे में कुछ बातें की. व्हाट डिड शी से अबाउट नेम्स, आस्क्ड मॉम. उसने नाम के बारे में टीचर ने आपको क्या बताया, मेघा की मॉम उसको पूछते हैं. She said some people have a special story about their names. Then some students told stories about their names. Teacher ने ऐसा बोला कि हर एक के नाम का कुछ मीनिंग रहता है, कुछ स्टोरी रहती है, और कुछ बच्चों ने अपने नाम की स्टोरी बताई. Oh, that's interesting, Megha. Please tell me what they said about their names. तो मम्मा बोलते कह रहे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मुझे आप कुछ बताओ कि बच्चों ने अपने नाम के बारे में क्या डिस्कस किया था. रघु सेड ही वॉज नेम्ड आफ्टर हिज ग्रैंडपा. रघु एक लड़का था, उसने बोला कि उसका नाम उसके दादा के नाम के ऊपर रखा गया था. हेमा सेड शी वॉज नेम्ड आफ्टर हर आंट. हेमा एक लड़की थी, उसने बताया कि उसका नाम उसकी आंट के ऊपर रखा हुआ था. Mom, I wish I too had a story about my name, said Megha. तो मेघा बोलती है मम्मी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अगर मेरे नाम की भी कोई स्टोरी हो. There is also a story about your name, said Mom. तो मॉम ने उसको बताया कि तुम्हारी नाम की भी एक स्टोरी है. Really tell me please, tell me now, said Megha. मतलब मेघा बोलते तो मुझे जल्दी जल्दी आप बताओ कि वो स्टोरी क्या है. व्हाट इज योर नेम, मॉम आस्क. मतलब मेघा से उसकी मॉम पूछती कि आपका नाम क्या है, तो मेघा बोलते मेघा योर फुल नेम, कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है, तो मेघ पुष्पा उसका पूरा नाम रहता है, मेघ पुष्पा. ओके, यू नो मेघ पुष्पा, योर डैड इज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर. He loves everything about the earth. वो बोलते हैं कि मेघ पुष्पा आपको पता है कि आपके जो पापा है वो नेचर को और कुदरत को बहुत पसंद करते हैं, और वो उनको बहुत प्यार भी करते हैं कुदरत को. But what has that to do with my name? Megha said. Ask. तो वो मेघा बोलती है कि पापा का अगर पापा नेचर को प्यार करते तो उसे मेरे नाम से उसका क्या लेना है. I am getting to that. Your dad always said names should be of the earth. मतलब तुम्हारे पापा का हमेशा ये कहना था कि जो नाम रहते हैं वो जो नेचर है उसके ऊपर ही रखे होना चाहिए.
ऑफ द अर्थ, व्हाट डज दैट मीन? ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है? लिसन एंड यू विल अंडरस्टैंड, सुनो और आपको समझ में आ जाएगा. ओ ऑन द मॉर्निंग यू वेर बॉर्न, इट वॉज वेरी कूल एंड प्लेजेंट. मतलब जब तुम्हारा जन्म हुआ, सुबह में तुम्हारा जन्म हुआ था, तभी एटमोसफियर, वातावरण तभी का बहुत अच्छा था. अ जेंटल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, डार्क क्लाउड्स वेर डांसिंग अबाउट. मतलब ठंडी हवा चल रही थी और काले बादल चारों तरफ फैले हुए थे. इन द स्काई अ नाइट एंजल वॉज सिंगिंग इन द ट्रीज, सडनली यू क्राइड आउट. मतलब एक नाइट एंगल जो बर्ड रहता है छोटा सा, वो गा रहा था और तभी तुम्हारा जन्म हुआ. हाउ ब्यूटिफुल यू लुक्ड, हाउ ब्यूटिफुल दैट मॉर्निंग वॉज. अ जेंटल ड्रिजलिंग हैड स्टार्टेड, देर वॉज ए स्वीट स्मेल इन द एयर. मतलब तुम इतने खूबसूरत थे और जब तुम हुए तो बहुत खुशी हो रही थी, और ड्रेजल मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदें या हल्की फुहारें आ रही थी बारिश की. There was a sweet smell in the air. मतलब आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब पहली बारिश गिरती है मट्टी पे, तो जो कोरी मट्टी रहती है वो भीगती है, तो उसमें से एक फ्रेग्रेंस, अलग अलग तरह की मिट्टी की खुशबू आती है. Then your dad came in. He looked at you, smiled and said, a lovely little flower. जब आपके डैड अंदर आपको देखने को आया, तो आपको देखने के साथ में उन्होंने, वो हंसे मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि कितना खूबसूरत फूल है. एंड ही नेम्ड यू मेघ पुष्पा, और उस उन्होंने तुम्हारा नाम मेघ पुष्पा रख दिया. आई लव माई नेम, सेड मेघ पुष्पा, बट वॉट हैज दैट टू डू विद द अर्थ. मेघ पुष्पा बोलते हैं कि मुझे मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको अर्थ से इसका क्या जुड़ाव है, या क्या बात है? मेघ पुष्पा इज अ संस्कृत वर्ड, सेट मेघाज मॉम. मेघा की मम्मी उसको बता दे कि मेघ पुष्पा एक संस्कृत वर्ड है. इट हैज इन इट टू स्मॉलर वर्ड्स, मेघ एंड पुष्प. मतलब वो बोलते हैं कि इसमें दो वर्ड्स है तुम्हारे नाम में, पहला है मेघ और दूसरा है पुष्प. मेघ मीन्स क्लाउड एंड पुष्प मीन्स फ्लावर. मतलब मेघ जो है, मेघा बोलते हैं हम लोग, वो उसका मीनिंग होता है क्लाउड, बादल, और पुष्प मतलब फ्लावर. दस मेघ पुष्पा मीन्स ए फ्लावर बोर्न आउट ऑफ क्लाउड्स, इट मीन्स अ रेन ड्रॉप. मतलब एक बादल, एक फूल जो बादलों में से निकला है, उसका मीनिंग होता है मेघ पुष्पा, मतलब बारिश की बूंद. दस योर नेम इज सो मच ऑफ द अर्थ, डैडी चूज फॉर यू दिस नेम ऑफ द अर्थ. मतलब तुम्हारा नाम अर्थ के ऊपर ही है और इतना प्यारा है, डैडी ने तुम्हारा नाम नेचर के ऊपर ही रखा है. आई लव माई नेम, सेड मेघा विद अ स्माइल, माई नेम इज ऑफ द अर्थ, नाउ आई नो द स्टोरी ऑफ माई नेम, टुमोरो आई विल शेयर माई नेम स्टोरी विथ माई फ्रेंड्स एंड स्कूल. तो इस लेसन में आपने देखा कि मेघ पुष्पा का मीनिंग क्या था और मेघ पुष्पा का नाम किसने और कब और कैसे रखा था. तो ये हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब लेसन नंबर 2 की जो हमारी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स और वो बाकी है, मैं आपको उसके फोटो सेंड करूँगी, और आपको आपकी टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखने हैं, और जो एक्सरसाइजेस टेक्स्ट बुक में है वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखनी है. आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है, और इस लेसन के एक्सरसाइजेस अब हम लोग जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन भी करूंगी और इसकी एक्सरसाइजेस के फोटो सेंड करूंगी आपको. तो आपको आपका ये वर्क एकदम नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में प्रॉपरली करना है, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करना है. तो आप लोगों को ये कंप्लीट करना है, आपके पेरेंट्स को परेशान नहीं करना है. ओके, बाय. तो हम लोग मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेशन में. टेक केयर.